हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आईटीएफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्या है क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है? तो पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स के। यानी इस चीज़ को इतना प्रूव कर देना है आपको। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको रूट वाला फंक्शन आ जाए, है ना, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए, उसको इरेशनल फंक्शन बोला जाता है, अपरिमेय फलन बोला जाता है। तो अपरिमेय फलन यदि आपका a प्लस एक्स, है ना, इस रूप का रहेगा, या फिर a माइनस एक्स इस रूप का रहेगा, है ना, जब आपको a प्लस एक्स या फिर a माइनस एक्स के रूप का रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अर्थात अपरिमेय फलन को परिमेय बनाने के लिए एक्स के जगह पर पुट करते हैं हम लोग या तो ए कॉस टू थीटा या फिर ओनली जो है ए कॉस थीटा। तो मेरा जो है, जो हम ज़्यादातर जो पुट करते हैं वो कॉस टू थीटा पुट करते हैं, इसलिए क्योंकि एंगल जो यहाँ पे डबल है, जब इसका हाफ होगा तो थीटा बचेगा, इसमें क्या होगा, जब इसका हाफ होगा थीटा बाय टू हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है गंभीर हो जाएगा, इसलिए इसको लीजिए कॉस टू थीटा को। तो याद रखना है, जब भी अपरिमेय फलन रूट अंडर ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए माइनस एक्स के रूप का रहेगा, तो एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो ए कॉस टू थीटा। और एक चीज़ ध्यान देना है, ए जो देख रहे हैं आप, ए क्या आपका कॉन्स्टेंट है, ए के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे वन माइनस एक्स रह सकता है, टू प्लस एक्स रह सकता है, थ्री माइनस एक्स रह सकता है, फाइव प्लस एक्स रह सकता है, सेवन माइनस एक्स रह सकता है, ये चीज़ है। तो कॉन्स्टेंट के जगह पर कुछ भी, ए के जगह पर कुछ भी रह सकता है, लेकिन ध्यान रहे जो भी रहेगा तो उसको ले करके कॉस टू थीटा पुट करना है एक्स के जगह पर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा करने से रूट क्या होता है, भाग जाता है, अर्थात ये अपरिमेय फलन परिमेय में चेंज हो जाता है। तो देखिए इस सवाल में भी वही करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर वन प्लस एक्स है, रूट अंडर वन माइनस एक्स है ना। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, तो x के जगह पर cos 2 थीटा पुट करेंगे, है ना, इसका रूल है अभी बताया जैसे। तो देखिए इस सवाल को प्रूव कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लेंगे पूरे व्यंजक को हम लोग LHS या फिर y कह दीजिए, चलिए प्रूव देट है, तो LHS ले लेते हैं LHS। तो tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो x के जगह पर क्या पुट हो जाएगा यहाँ पे, तो x के जगह पर 1 इंटू कॉस टू थीटा, क्योंकि a का काम तो 1 कर रहा है ना, देख सकते यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो a के जगह पर कौन है, इस रूप में रहने पर x के जगह पर पुट करते हैं a कॉस टू थीटा, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। तो a के जगह पर 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे ना, इसलिए 1 इंटू कॉस टू थीटा पुट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका, तो x के जगह पर हम लोग पुट कर दिए 1 इंटू कॉस टू थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब ये tf जब इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, rtf बनेगा, यानी कि cos इनवर्स x हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, तो हाफ इंटू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, 2 थीटा कॉस इनवर्स एक्स, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तब LHS आपका क्या हो जाएगा, तो देन LHS इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे cos 2 थीटा रख दीजिए, चलिए तो cos 2 थीटा रख दिए, 1 माइनस cos 2 थीटा रख दिए, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस वन माइनस कॉस टू थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब गौर से देखिए आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि प्लस रहने पर टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, यही एंगल का बात कर रहे हैं, यहाँ टू थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा, यदि थीटा रहता तो थीटा बाय टू, यानी एंगल को हाफ करना है यहाँ से यहाँ लिखने के लिए, है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो भी एंगल रहेगा उसका क्या कर देना, हाफ कर देना है आपको।
यदि यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा रहता है थीटा बाई 2 4 थीटा तो 2 थीटा, माइनस रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा आपका साइन में, ठीक है। तो ये अंतर है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 cos 2θ को क्या लिखेंगे, 2 sin² θ, 2 sin² θ, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये हो गया। अब फिर यहाँ से वही बात लिख दीजिए, 2 cos² θ, यहाँ पे लिख देंगे 2 sin² θ, ठीक। अब tan inverse ऑफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा, तो √2 cos θ, √2 cos θ, यहाँ पे √2 sin θ, ठीक है। यहाँ पे बचा √2 cos θ प्लस यहाँ पे बचा √2 sin θ, ठीक है। ये कुछ बच गया, देखिए ना, √2 cos² θ का √cos θ, उसी तरह से यहाँ पे √2 sin² θ का √sin θ। चलते यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखिए। तो यहाँ से आगे क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंश और हर से कॉस को कॉमन लेंगे, ठीक है। √2 cos θ ही कॉमन ले लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे बचा क्या, 1, यहाँ पे हो जाएगा sin θ/cos θ, इस तरह से बचेगा। नीचे में भी वही काम कीजिए, तो √2 cos θ कॉमन, 1 sin θ/cos θ हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया, इससे कैंसिल, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में भी tan लाना है, इसलिए ऐसा हम लोग जो है प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपको tan इनवर्स ऑफ 1 sin / cos 10, तो 1 tan θ/1 tan θ, ये हो गया, ठीक है। अब गौर से देखेंगे यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स ऑफ 1 tan θ, 1 प्लस, इसको 1 tan θ हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 1 tan θ तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहने पर हम लोग इसको लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये चीज़ है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए, तो x के जगह पर देखिए 1 है और y के जगह पर tan थीटा है, तो इसके LHS में रख दीजिए। तो यहाँ पे x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 को, तो tan इनवर्स 1, इसको और इसको कंपेयर करने पर x के जगह पर कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और y के जगह पर tan थीटा, इसलिए इसके LHS में रख देंगे x के जगह पर 1 और y के जगह पर tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ध्यान देंगे। तो tan इनवर्स 1 के लिए क्या हो गया, π/4, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है आपका, ये हो गया। अब थीटा का वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकाल करके रखे हैं ऊपर में, यहाँ पे देख सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या है, तो 1/2 cos inverse x है, तो π/4 माइनस 1/2 cos inverse x। तो देखिए LHS आपका ये था, और RHS में जो हम लोगों को लाना था π/4 माइनस 1/2 cos inverse x, वो वैल्यू आपका आ गया, तो यहाँ पे RHS लिख सकते हैं। यदि इक्वल में RHS नहीं लिखते तो यहाँ पे साइड में प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।